मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, उनको आधुनिक नास्त्रदमस या लेडी नास्त्रदमस भी कहा जाता है। उनके बारे में आपको बता दूं, जब वो 12 साल की थी तब एक रेतीले तूफान में फंस गई थी। आंखों में धूल जाने और कई दिनों तक इलाज ना होने के कारण उनकी आंखें हमेशा के लिए चली गई। परंतु अंधे होने के बाद उन्होंने भविष्य को देखने की शक्ति को प्राप्त किया, जिससे वे अपने आसपास के लोगों की भविष्यवाणियां करने लगी। उनकी भविष्यवाणियां बिल्कुल सिद्ध हुई, जिसके चलते दुनिया भर के लोग उनके पास भविष्य पूछने आने लगे। जब कभी वो एकांत में बैठती थी तब दुनिया का भविष्य देखने का प्रयास करती थी और भविष्यवाणियां करती थी। उन्होंने अपने काल में विश्व से जुड़ी दर्जनों भविष्यवाणियां की, जो बाद में बिल्कुल सही साबित हुई। उनकी इन भविष्यवाणियों में इंदिरा गांधी के तानाशाह बनने, धरती के गर्म होने, अमेरिका पर 9/11 का आतंकी हमला होना, 2004 में भयावह सुनामी और 2010 में सीरिया से शुरू हुई अरब क्रांति जैसी घटनाएं प्रमुख हैं, जो पूर्णतया सच साबित हुई हैं। बाबा वेंगा की मृत्यु 1996 में 85 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, परंतु उनकी मृत्यु से पूर्व उन्होंने दुनिया के भविष्य से जुड़ी कई ऐसी भविष्यवाणियां की जिनके सच होने पर दुनिया का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। बाबा वेंगा के अनुसार वर्ष 2016 में यूरोप पर कट्टरपंथी मुस्लिमों का हमला होगा और पूरे यूरोप में तबाही मच जाएगी। उल्लेखनीय है कि लीबिया के शहर सिरते पर कब्जा करने के साथ ही इस्लामिक स्टेट यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वर्ष 2025 तक यूरोप पूरी तरह से तबाह और तहस नहस हो चुका होगा, जबकि 2043 में वर्तमान खाड़ी देशों की तरह यूरोप पर भी इस्लामिक शासन होगा। बाबा वेंगा ने किसी अफ्रीकी अमेरिकी के अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने की भविष्यवाणी की थी, जो बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के साथ ही सत्य हो गई। परंतु उन्होंने ये भी कहा था कि ओबामा अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपति हो सकते हैं। ये कैसे होगा, इसके लिए हमें समय का इंतजार करना पड़ेगा। 2043 में पूरा यूरोप इस्लामिक देश में बदल चुका होगा और रोम इसकी मुस्लिम राजधानी होगी। 2066 में अमेरिका यूरोप में ईसाई धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जलवायु परिवर्तन हथियार यानी के न्यूक्लियर हमले का उपयोग करेगा, जो यूरोप में मुसलमानों का सफाया कर देगा। 2023 में धरती की धुरी यानी परिक्रमा का केंद्र बिंदु बदल जाएगा, जिसके चलते धरती के वातावरण में कई आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 2028 में मनुष्य शुक्र ग्रह पर पहुंच जाएगा। 2033 में धरती के दोनों ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी, जिससे समंदर किनारे बसे कई शहर पूरी तरीके से पानी में डूब जाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी शुरुआत हो चुकी है और नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार वर्ष 1993 से 2009 तक समंदर का स्तर 1.89 इंच बढ़ चुका है, जो अब हर वर्ष 3 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है। बाबा वेंगा के अनुसार 22वीं सदी में समंदर तल में रहने की तकनीक ढूंढ ली जाएगी और भविष्य के शहर समंदर के अंदर ही बसाए जाएंगे। 2076 में ही यूरोप में साम्यवाद लौटेगा और फिर पूरे विश्व में साम्यवाद ही होगा। इसके कुछ ही वर्षों के बाद पूरी धरती पर रोबोट्स की फौज होगी, जो मानव जीवन में दखल देने लग जाएगी। 2084 में धरती का पुनर्जन्म होगा। इस भविष्यवाणी का क्या अर्थ है, इसकी कोई व्याख्या अभी तक नहीं हो पाई है। 21वीं सदी के अंत में या 22वीं सदी की शुरुआत में धरतीवासी अपना कृत्रिम सूर्य बनाने में सफल हो जाएंगे, जो धरती की लंबे समय तक ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर देगा। लेकिन इससे पहले जो मुख्य बातें हैं वो है 2016 से लेकर 2066 तक के विश्व की, जिसमें बहुत सारे उथल पुथल देखने को मिल सकते हैं। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।